आइए दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 103 में पास और कॉल बाय रेफरेंसिंग फंक्शन का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना कोड लिखा है और उसको रन भी किया है ताकि आपको आसानी से समझा सकें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डेफ की ली, एक फंक्शन बनाया और राउंड ब्रैकेट के अंदर एक एक्स को पास किया। उसके बाद दोस्तों मैंने x इज इक्वल टू 15 रखा, एक वेरिएबल बनाया, उसको प्रिंट किया और उसकी आईडी को प्रिंट किया। और फिर नीचे मैंने एक और x लिया जिसकी वैल्यू मैंने 10 दी है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, देखो वेल x से, और यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट कराया है। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, ये वाला x जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये वाला 15 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मॉडिफाई नहीं हुआ, ये रिप्लेस हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इस वाले प्रिंट से हमें इसकी वैल्यू दिख रही है, ठीक है। और ये वाले प्रिंट से फिर ये ट्रांसफर यहाँ होके ये नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे एकदम लास्ट में, जिससे हमें ये वाला जो x का tan है इसकी वैल्यू दिखेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, और अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसी वाले कोड को कॉपी पेस्ट करके और ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे 10 था, तो देखिए 10 दे दिया। और फिर हमने यहाँ पर क्या करा, x को 15 करा, यानी यहाँ पे इसको एक नए वेरिएबल में साइन करा, तो इसने हमें ये दे दिया। और लास्ट में जब ये नीचे आया तो यहाँ से इसने इसको प्रिंट करके दे दिया, लास्ट में यहाँ पे इसने इसको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है दोस्तों। और देखिए इनकी आईडी भी सेम ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस वाले कोड में कैसे हम रन करते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डेफ के लिए फिर एक फंक्शन बनाया, फिर उसको हमने प्रिंट कराया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग दी इनसाइड फंक्शन बिफोर अपेंड लिस्ट और ये, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने उसे अपेंड करा, फिर ये दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिस्ट जो बनाई है दोस्तों वो यहाँ पर बनाई है, और यहाँ पर इसको प्रिंट कराया बिफोर कॉलिंग फंक्शन, मतलब कॉलिंग से पहले हमने इसको प्रिंट कराया, तो इसने हमें ये दे दिया, ठीक है। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं, यानी कि अपने फंक्शन को रन कर रहे हैं, तो ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये वाला प्रिंट करके देगा हमें, देखिए ये दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये आएगा यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपेंड लगाया है, अपेंड होके दोस्तों अब ये चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लिखा है हमने एक्स्ट्रा, तो देखिए यहाँ पर अब 4 भी आ जाएगा, ये देखिए। अब इसके यहाँ से अपना यहाँ से यहाँ इसके बाद ये सीधा कंट्रोल भेजेगा यहाँ पे, ये जो लास्ट में बचा है, फिर इसको प्रिंट करा देगा ये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोनों, ये ऊपर वालों की दोनों आईडी सेम है और नीचे वालों की दोनों आईडी सेम है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से करना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मतलब लिस्ट बना देते हैं एक, चलिए मैं पहले इसको रन करता हूँ फिर आपको इस कोड को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने डेप की ली, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने प्रिंट लिखा इनसाइड फंक्शन बिफोर और लिस्ट और उसकी आईडी। फिर यहाँ पर हमने एक नई लिस्ट क्रिएट करी है, ठीक है, ये वाली, और इसको यहाँ पर हमने प्रिंट कराया। ये तो है हमारा बात का काम, उससे पहले हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, जो फर्स्ट लिस्ट बनाई सबसे पहले, उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, तो जिससे हमें ये शो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करा जो कि यहाँ चला, और यहाँ से हमें ये वैल्यू आ गई प्रिंट होकर, ये आ गई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये आ गई। अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पर एक लिस्ट और क्रिएट कर दी जो इसे टैग करेगी, पुरानी वाली लिस्ट को टेक ओवर करेगी, टैग करेगी, मॉडिफाई नहीं करेगी दोस्तों, ठीक है। और जब ये प्रिंट होगा तो देखिए ये नई लिस्ट को शो करेगा,
यहाँ पे नई लिस्ट आ गई, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होएगा लास्ट में, और ये पुरानी वाली वैल्यू को ही दिखाएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो पुरानी वाली वैल्यू है और जो स्टार्टिंग में उनकी आईडी सेम है, और जो बात की है उनकी देखिए सेम नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लिस्ट को भी टेक ओवर करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पासिंग और कॉलिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग का यूज हमने देखा दोस्तों। ओके, थैंक यू।